बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लिख रही हूँ सफ़ेद चने की रेसिपी। इसे हम अलग तरीके से इसका सालन बनाएंगे और आपको दिखाते हैं किस तरह बनेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। अब इसमें ऐड कर देंगे अपने चने और साथ में इसमें ऐड कर देंगे हम दो अदर टमाटर, ऐसे ही साबुत। इस तरीके से आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर। और प्याज है मैंने मीडियम छोटे छोटे लिए हैं, ये तकरीबन 4 से 5 हैं। 3 अदद हरी मिर्च हैं और तकरीबन 10 से 15 जो है लहसुन के जवे हैं। और अदरक लिया है मैंने, उसको भी ऐसे साबुत ही रखना है आपने। और इसमें दालचीनी की 2 स्टिक्स और बादियाने का पोहा ये ऐड कर दिया। अब इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देंगे इसका। ये देखें जी, ये जो हमने प्रेशर में तमाम मसाले डाले थे मैंने निकाल लिए हैं, इनको ठंडा कर लिया है। अब हम इसको मिक्सी में डाल के आपने इसको ग्राइंड कर लेना, इस मसाले को जो टमाटर लहसुन अदरक और दालचीनी था बादियाने का फूल था, इस सबको हम कर लेंगे ग्राइंड और फिर हम यूज़ करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पुदीने के पत्ते, इससे जो एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी आपके चनों से और इसका फ्लेवर भी जबरदस्त हो जाएगा। अब हमने ले लिया है ये मिट्टी का पॉट लिया है, अब इसमें डालेंगे हम 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें वो मसाला जो हमने चने में से निकाल के ग्राइंड किया था वो आपने इसमें ऐड कर देना सारा। अब इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, क्योंकि मैं दूसरी मिर्च है वो इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ कलर के लिए मैंने डाली है। और 1/2 टीस्पून आपने लेनी है काली मिर्च, 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे हम हल्दी, नमक हसबे जायका, और 1/2 टीस्पून हम ऐड करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। अब इसमें ऐड कर देंगे अपने सफ़ेद चने जो हमने पहले बॉईल कर लिए थे मसाले डाल के। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब सारे किस्म के चने, लाहौरी चने ये वो सब भूल जाएंगे जब आप ये घर में ट्राई करेंगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। अभी लास्ट में जो उसका टच हमने लास्ट में देना है इमली का, तो उससे तो और ज़्यादा ये टेस्टी और मज़ेदार हो जाएंगे। ये देखें वेरी नाइस इसकी लुक देखें चने की। अब इसमें ऐड कर देंगे इमली का गूदा। अगर आप इसमें ग्रेवी करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही रहने दें, अगर आप थोड़ा शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैं भी तकरीबन इसमें 1/2 कप जो है ना वो पानी के ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सी अच्छी सी इसकी वो ज़बरदस्ती ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखें वाह ज़बरदस्त वेरी डिलीशियस लुक भी और उसका टेस्ट भी जी। ये देखें जी हमारे मज़ेदार से चने रेडी हैं, ये देखें। और मैं इसके साथ जो है मैंने राइस बनाए हैं और इसके साथ मैं टेस्ट करूँगी। इंशाल्लाह ताला आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी, आप इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। जब मैं इसको करती हूँ टेस्ट, फैबुलस ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार है, आप भी बनाएं और घर में इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा लाजमी कि आपको कैसे लगेंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।